6 बज रहे हैं और मैं जो है वो अपना डिनर बनाने जा रही हूँ. देख लो शाम के 6 बज रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. और मेरे नेल पेंट कैसे लग रहे हैं? अभी लगाए जस्ट. ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्रांड है मिनी का, ठीक है. ऐसे इसमें कुछ नाम नहीं लिखा, मिनीशो. मिनीशो जो है एक जापानीज ब्रांड है. जापानीज ब्रांड यहाँ पे जो मॉल उस दिन हम गए थे वहाँ पर इसमें 50% ऑफ चल रहा था, तो मैंने ये नेल पेंट ली थी क्योंकि मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है और मुझे नेल्स बढ़ाने का भी बहुत शौक है. देखो मेरे नेल्स ये दोनों टूट गए हैं, ये टूट गए हैं बट ये बढ़ जाएंगे. फिर भी मैंने नेल पेंट लगाया. अच्छा दिख रहा है ना. और मैं जो है आज बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, मशरूम एंड प्याज की सब्जी. तो जल्दी से मैं अपना डिनर रेडी कर लेती हूँ क्योंकि हमको जाना है कल, और कल से आते समय रात हो जाएगी और आने के बाद मैं थक जाऊंगी और उसके बाद मैं डिनर नहीं बना पाऊंगी. इसलिए जो है वो मैं जल्दी जल्दी अपना डिनर बना ले रही हूँ ताकि हम आएंगे वापस थक के तो हम सिर्फ खाना खाएंगे. चलो बनाते. ये देखो मशरूम, ये मैंने दोपहर में ही क्या किया था कि अच्छे से साफ कर लिया था और धो के रख लिया है मशरूम को, ठीक है. और इसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया है, प्याज टमाटर अदरक मिर्च और लहसुन. उन सभी को मैं पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी. ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो अच्छी सी थिक सी ग्रेवी होती है. जो है वो मैं इसको जो है एक जार में करके अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी. इसमें जरा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद जो है वो हम थोड़ा सा अपने मशरूम को जो है वो कुक करेंगे. ये जो है मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में प्याज काटा था, वो प्याज मैं ऐसे डाल दूंगी. ये थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं प्याज के. मेरे मशरूम जो है वो सिक गए हैं अच्छे से, आप देख रहे हो ऐसा रेड रेड हो गया है ये. अब जो है वो मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसमें ग्रेवी ट्राई करूंगी. ये जो मसाला मैंने बनाया था उसका मैंने ऐसा पेस्ट बना लिया और इसके बाद अब अभी इस मसाले को हम थोड़ा सा तेल में जो है फ्राई करेंगे. मसाला जो है अब इसमें मैं थोड़ा डालूंगी हल्दी पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा है. और ये है आपका कश्मीरी मिर्च जो सिर्फ कलर के लिए है, तीखा नहीं है ये. और इसमें एक चम्मच जो है वो मैं धनिया पाउडर डालूंगी. अच्छे से मसाले को जो है इसका तेल छोड़ देकर हम भूंज लेंगे क्योंकि मसाला ये पहले से पक गया है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में. अब देख रहे हो अभी से ये ऐसा तेल छोड़ दिया है मसाले. अब जो है वो मैं इसे मशरूम जो मैंने फ्राई किए थे वो सारे मशरूम में इसमें डाल दिया और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ भूनेंगे.
मैंने एक ये मोबाइल स्टैंड लिया है. ये मोबाइल स्टैंड जो है ये भी एक मिनीसो ब्रांड का मोबाइल स्टैंड है. ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से ली है जहाँ पे ये 50% ऑफ चल रहा था. एक्चुअली ये मुझे मिला है 230 रुपीज़ में. 230 का है ये. ये इस फोन स्टैंड, ये आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो. ये ऐसा है, आप इसको कहीं पे भी ऐसे फंसा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन फंसा सकते हो. और ये जो है मैंने एक और सामान लिया है, मैंने लिया है एक बैग. ये बैग देख रहे हो आप, ये बहुत सुंदर सा कलर है. और ये बैग मैंने लिया है, ये भी मुझे 575 का बैग मुझे मिला है. ये सभी चीज़ें जो है वो मैंने उस दिन शॉपिंग की, और मैंने बोला था आपको कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की, तो मैंने यही शॉपिंग की थी. और अभी जो है वो 7 बज गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ अभिषेक के आने का, ताकि हम लोग कल्ट जाएं. और कल्ट जाने के बाद मैं अपना कल्ट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.